और कोरोना से जंग के बीच अलग अलग शहरों के पुलिस वालों की दिलचस्प कहानी भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी स्टोरी सामने आई है जहां एक पिता अपनी डीएसपी बेटी के अंडर काम कर रहे हैं। देश में महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां मौत का आंकड़ा 30 को पार कर चुका है, लेकिन इस प्रदेश से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो वाकई सराहनीय हैं। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों का आपसे तारुफ करवाते हैं। इनसे मिलिए, ये शाबिर अंसारी है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाने में बतौर डीएसपी तैनात है, और ये अशरफ अली है, इसी थाने में ये भी बतौर सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन डीएसपी साहिबा और सब इंस्पेक्टर का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इन दोनों में बाप बेटी का रिश्ता है। जी हाँ, पिता सब इंस्पेक्टर बेटी के अंडर काम कर रहे हैं और इन दिनों कोरोना के खिलाफ फाइटर बने हुए हैं। बिल्कुल, वो यहाँ पर मेरे अधीनस्थ हैं और मैं उसी तरह उनसे काम ले रही हूँ जैसे मैं अपने बाकी अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों से काम ले रही हूँ, तो उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा है मेरे अंडर काम करके। यहाँ उनको थाना प्रभारी के कुछ अनुभव नहीं है, उनको थाने का अनुभव नहीं है, तो जो भी पूछती है डायरी के संबंध में, चालान वालान के संबंध में बताता हूँ। चलिए अब ये जानिए कि आखिर पिता और बेटी दोनों एक ही थाने में एक साथ क्यों और कैसे तैनात हुए। दरअसल पिता अशरफ अली हमेशा से बेटी के अंडर काम नहीं करते, बल्कि पिता इंदौर के लसूड़िया थाने में तैनात हैं। लेकिन बीते दिनों जब अशरफ अली बेटी से मिलने गए तो लॉकडाउन की वजह से वहां से निकल ही नहीं पाए और वहीं रह गए। क्योंकि पिता का ताल्लुक भी वर्दी से है, लिहाजा ऊपर से ऑर्डर भी आ गए कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता तब तक बेटी के अंतर्गत ही एक ही थाने में काम करिए। यहां आपको ये बता दें कि शाबिर अंसारी ने साल 2016 में पीएससी की परीक्षा को पास किया था और बतौर ट्रेनी डीएसपी काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश से हरिओम सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।